आज टाइम का मॉडल भी तैयार है। जी हाँ, मेरे कमरे में मौजूद है। एनी टाइम। राइट सर, राइट। ओके, खुदा हाफिज। सर मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए मिस नायला, इसका तैयार हो गया? बिल्कुल सर। आई सी, गुड। मिस नायला जी, आपके अंदर एक खूबी है, जो गाइडलाइंस मैं आपको देता हूँ आप उसे फौरन फॉलो करती हैं। थैंक यू सर। एक काम और कीजिएगा जी, ये इस केस भी चेक कर लीजिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सर। और हाँ, मिस्टर रेहान को कह दीजिएगा कि उनका डिजाइन मुझे कतई पसंद नहीं आया। क्यों सर? इसलिए कि जिस काम और जिस चीज में हुस्न और खूबसूरती ना हो वो काम मुझे कतई पसंद नहीं। राइट सर। सज्जाद जी, डॉक्टर साहब जी, आप ऐसे कीजिए कि आंटी के पास ही रहिए, मैं बस पहुंच ही रहा हूं। जी हाँ, मिस्टर जमील, मिस्टर जमील, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं, आप ऐसे कीजिए कि जो कोटेशन मैंने आपको बताए वो नेपाल भिजवा दीजिए, आज ही भिजवा दीजिएगा। राइट। हाउ इज शी डॉक्टर? अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब मैं परेशान हूं कि आखिर आंटी की तबीयत अचानक इतनी खराब क्यों हो जाती है? तन्हाई उनका सबसे बड़ा मर्ज है मिस्टर सज्जाद। मगर इसको कोई इलाज? इस घर में फैली हुई खामोशी को एक हंगामे की जरूरत है। अपनी जिंदगी में किसी को शामिल कर लीजिए मिस्टर सज्जाद, आपकी आंटी की जिंदगी निखर जाएगी। ओके ओके डॉक्टर साहब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप कैसी तबीयत है? बिल्कुल ठीक है, खुदा का शुक्र है। मैं तो घबरा ही गया था। आंटी, मेरी प्यारी आंटी, आपने फिर रोना शुरू कर दिया, मुझे देखते ही हैं। हटाओ उसे। कभी तुमने सोचा कि तुम्हें देखकर ये आंसू क्यों निकल आते हैं? वो इसलिए कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करता। जब भी तुझे शादी का कहा कोई ना कोई बहाना बना देते हो। इंजीनियर बन जाऊं तब शादी करूंगा, दफ्तर सेट हो जाए तो शादी करूंगा। अरे तुम इंजीनियर भी बन गया, तेरा दफ्तर भी सेट हो गया, अब क्या बहाना है, शादी क्यों नहीं करते? मुझे पता है तू मेरी खुशी के लिए कुछ नहीं करेगा। मैं तुझसे मायूस हो चुकी हूँ सज्जाद। मायूस ना, आराम करे आप, पहले ही बहुत तबीयत खराब है, अब तुम्हारी माँ है। अरे मत कहो मुझे माँ, मैं किसी की माँ नहीं हूँ। माँ बनना मेरे नसीब में होता तो मेरी कोई औलाद होती। मुस्कुरा बस, मुस्कुरा दे, वरना नहीं तो। वरना तू क्या करेगा? वरना मैं शादी का इरादा कैंसिल कर दूंगा। सज्जाद तू शादी करेगा? सज्जाद मैं तेरे लिए ऐसी दुल्हन लाऊंगी जो तुम्हें बहुत प्यार करेगी और तेरा मुझसे ज्यादा ख्याल रखेगी। हाँ, और अगर अगर वगर कुछ नहीं, अब तुम जाओ, चलो चलो। तेरा लाख लाख शुक्र है। लो भी सज्जाद। अरे ये क्या कर रहा है? वो मक्खी आने। मक्खी का हाँ, पता क्या, ये लड़की मुझे बहुत पसंद है और अगर तुम चाहो तो उसे देख भी सकते हो। हाँ जी, छोड़ो, आपको पसंद है तो मुझे क्या इतराज? नहीं नहीं, तुम इसे गौर से देख लो, मैं तुमसे बाद में पूछ लूंगी। हाँ देखो। अच्छा चले, आप कहती हैं तो देख लेता हूँ। गौर से देखो।
उसके चेहरे को तस्वीर में देखकर तसव्वुर में प्यार किया, लेकिन आज की रात तो इन हकीकतों को बेनकाब करने की रात है। सजाद बेटे, क्या बात है, बोलते क्यों नहीं? भाई बोलो ना। बैठिए। देखिए आंटी, आपको पता है कि मैं शादी नहीं करना चाहता था, मगर मैंने आपकी खुशी आपकी पसंद के लिए। मेरी पसंद तुम्हें पसंद नहीं, यही ना, इसलिए कि तुम्हारी आंखों ने उसके चेहरे का रंग देखा है, उसकी रूह की रंगीनियां नहीं। मैं जानती हूँ आजकल के नौजवानों की नजरें सिर्फ जाहिरी रंग रूप देख पाती हैं। तुम्हें याद होगा सज्जाद, मैंने कहा था तुम लड़की देख सकते हो। क्या मतलब है कि मैं आपकी पसंद के लिए? बोलो बोलो सज्जाद, कोई माँ अपने बेटे के लिए जिंदगी भर का साथी चुनने में गलती नहीं करती। जो जो वक्त गुजरेगा तुम्हारे दिल से मेरे इंतखाब की दाद निकलेगी बेटा। जाओ सज्जाद, उसकी रूह पे झांकने की कोशिश करो बेटे। पहली नजर के फैसले अक्सर गलत होते हैं।
सर। जी फरमाइए। मिस्टर रियान ने ये मुकम्मल कर लिया है। इसका फ्रंट पैनल सही किया उन्होंने, और इनसे कहिए कि इसकी कलर स्कीम भी सही करें। प्लीज इसे देख तो ले। क्या खाब मुकम्मल किया उन्होंने इसको? दिस डर्टी ब्लैक कलर विल नॉट गो। शाइस्ता बेटी, अगर अकेले में जी घबराता हो तो मेरे कमरे में आ जाओ। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। ऐसी कोई बात नहीं है आंटी। लो सज्जाद आ गया। सज्जाद, आप शाम को जल्दी घर वापस आने की कोशिश किया करो बेटे। आंटी, वो दरअसल काम आजकल बहुत बढ़ गया। काम? काम तो दिन ब दिन बढ़ेगा बेटे। कहते हैं रिस्क बीवी के नसीब से बढ़ता है। जी हाँ, रिस्क तो बढ़ता है, लेकिन उसके साथ साथ परेशानी और सर का दर्द भी बढ़ जाता है। शायद काम की ज्यादा तलखी बनकर तुम्हारी जुबान पर आ गई है। अगर तुम्हारे सर में दर्द है तो मैं तुम्हारे लिए चाय मैं लाती हूँ आंटी। नहीं, कॉफी, ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी आपकी तरह मुझे भी बहुत पसंद है, मैं अभी लाती हूँ। आंटी, मैं काम से जा रहा हूँ, कुछ पिकनिक मनाने नहीं जा रहा। कोई बात नहीं आंटी, फिर सही। सारी जिंदगी पड़ी है इनके साथ सफर करने के लिए। गॉड, तुम पहुंच गए। तुम्हारे बगैर तो क्लब का कोई फंक्शन भी कलरफुल नहीं था। अच्छा, बिजनेस को भी देखना पड़ता है। वैसे मेरे दोस्तों को बहुत मिस किया। शाम को मैं जरूर आऊंगी। ओके ओके, सी यू। ये हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर फजीरली, ये पाकिस्तानी आर्किटेक्ट इंजीनियर मिस्टर सज्जाद। ग्लैड टू सी यू सर। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। वैसे मैं भी पाकिस्तानी हूँ। कई साल पहले यहाँ एक बिल्डिंग बनाने आया था, और फिर कारोबार इतना बड़ा कि बस नेपाली हो गया। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। वैसे मैं भी आपका मतलब हूँ। थैंक यू। आज शाम होटल में तैयार रहिएगा। आज विल पिक यू अप। डिनर मेरे साथ कीजिएगा मिस्टर सईद। मैं आज नो मैनेजर, आज तो मिस्टर सज्जाद मेरे साथ ही खाना खाएंगे। वैसे कुछ बिजनेस टॉक भी हो जाएगी, और फिर इनसे वतन के हालात भी सुनेंगे।
एज यू लाइक सर। वैसे तो मैंने सोचा था आज इन्हें किसी डिस्को क्लब ले जाता। नो 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 मैनेजर, नो नो नो, एवरीवन इज नॉट मैड आफ्टर डिस्को लाइक यू। सुफिया, हाय, हाउ आर यू? फाइन। आज तो आपने कमाल कर दिया, सच ए बिग परफॉर्मेंस। थैंक यू। आई हैव टू मूव नाउ। अभी से वापसी? हाँ, अंकल ने किसी गेस्ट के ऑनर में डिनर अरेंज किया है, सो आई हैव टू अटेंड इट। वेलकम मिस्टर सज्जाद। आइए आइए, तशरीफ लाइए। थैंक यू। कहिए, आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जी नहीं, मैं बिल्कुल मजे से हूँ। अरे सूफिया, इनसे मिलो। ये हैं हमारे म्यूजियम बिल्डिंग के आर्किटेक्ट इंजीनियर मिस्टर सज्जाद। Glad to see you again. Hello. Again? क्या तुम दोनों पहले भी कहीं मिल चुके हो? बस सिर्फ एक लम्हे के लिए। दरअसल एयरपोर्ट के अराइवल लॉन्च पर इनसे मुलाकात हो गई थी। अरे हाँ, ये भी तो परसों ही आई है। सच्चात, कहने को ये मेरी भतीजी है, मगर मैं इसका चचा नहीं, बाप हूं। ये मेरे मरहूम भाई की निशानी है। मैं, शी इज माई सन। अरे हाँ, आपकी अमानत। अरे, मुझ पर बोझ बनी हुई थी, इसलिए मैं इसे हर वक्त अपनी जेब में लिए फिरता हूँ। ये आपको कहाँ से मिला? आप इसे एयरपोर्ट पे गिराई थी। ओह माय गॉड, थैंक यू वेरी मच। इसके लिए मैं बहुत परेशान थी। ये मेरी मम्मी की निशानी है। सुना दीजिए ना। इस कदर कीमती चीज के बारे में इतनी लापरवाह है आप। आई विल बी केयरफुल इन फ्यूचर। मिस्टर सज्जाद, ये आपको नेपाल की खूब सैर कराएगी। हाँ, सैर कराते कराते कहीं इस लॉकेट की तरह नेपाल के किसी मोड़ पे मुझे गुम ना कर दें। मैं आपको खोने नहीं दूंगी। मम्मी ने एक दिन जिक्र किया था कि ये लॉकेट उनके गले से कहीं गिर गया था। अच्छा, तो फिर कैसे मिला? कोई ढूंढ लाया था। कौन? बाद में जो मेरे डैडी हो गए। ए, कुछ समझे? काश मैं कुछ समझ सकता। बेगम साहिबा, मैंने सारी गाजरें धोकर छील ली है, अब बताएं क्या करना है? गाजर का हलवा बनाएंगे, उन्हें गाजर का हलवा बहुत पसंद है। ठीक है शाइसा बेटी। दफ्तर से टेलीफोन आया है कि सज्जाद वहां एक हफ्ता और ठहरेगा। अरे पगली, उदास हो गई हो सकता है उसकी मसरूफियात बढ़ गई हो। Thank you.
तुमसे मिलने से पहले मैं सोचती थी अंकल के सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं, मगर अब क्या हुआ? अब ऐसा नहीं सोचती। अब क्या सोचती हो? अब सोचती हूँ तुम कब अंकल से बात करोगे, कब बात पक्की होगी और कब। जो कुछ तुम सोचती हो अगर ऐसा ना हुआ तो मैं सारी जायदाद किसी यतीम खाने के नाम करके खुद किसी ऊंची बिल्डिंग पे छलांग लगा दूंगी और मेरी मौत के जिम्मेदार। ऐसा नहीं कहते। अगर तुम चाहते हो मैं ऐसा ना करूं तो फिर जल्दी से कुछ सोचो। सोच रहा हूं, दिन रात यही सोच रहा हूं। अचानक आ गए, ना कोई फोन ना कोई टेलेक्स, मैं ही एयरपोर्ट आ जाती। मैं थका हुआ हूं। पूछेंगे नहीं मैंने इतने दिन कैसे गुजारे। सारे काम छोड़कर आपके पहलू में आ बैठना। क्या गिला करने का मुझे कोई हक नहीं है? जी कीजिए गिला, जरूर कीजिए। शौक से कीजिए। आप बहुत थके हुए हैं, आपका सर दबा दो। सामान ठीक कर रही हूँ, फिर कहीं जा रहे हैं। अरे अब वो कहीं भी जाए उसका दिल इस घर के सिवा कहीं नहीं लगेगा। काश ऐसा ही होता। नहीं दीना रे, ओ नहीं।
राज, हाँ। अंकल ने कल रात फोन पर कहा था कि मैं फौरन बैंकॉक पहुँचूँ। हाँ, तो कब जा रही हो तुम? कब जा रही हूँ? क्या मतलब, तुम नहीं जा रहे मेरे साथ? एक दो हफ्ते तक तो मैं नहीं जा सकूंगा। इतना इंतजार कराओगे सज्जाद, तो मैं मर जाऊंगी। मैं बहुत जल्द आऊंगा। इस बार तुम अंकल से जरूर बात करना। कौन सी बात? तुम्हारी, मेरी शादी की बात। चुप क्यों हो सज्जा? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? You don't love me. ये मुस्कुराहट मेरे सवाल का जवाब नहीं है सज्जाद। साफ साफ बताओ, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? तुम मेरा इकरार क्यों नहीं करते? इसलिए कि अभी तकरार अच्छी लगती है। सज्जाद परेशान क्यों? सूफिया को साफ साफ बता दोगे तुम शादीशुदा हो? इसकी क्या जरूरत है? वो शादी थी, मजबूरी थी, मर्द की आंटी को बचाने की तदबीर। शायद मुझे पसंद आई। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं थी तो तुमने उसके साथ जिंदगी का सफर क्यों शुरू किया था? मैंने शायस्ता को कभी दिल से नहीं चाहा। सूफिया मुझे मेरे एहसास में लगे हुए जख्मों का मरहम बन के मिली है। सूफिया तुम्हें नहीं मिलेगी, शायस्ता तुम्हारी बीवी है। वो तुम दोनों के दरमियान दीवार बन के खड़ी है। मैं ये दीवार गिरा दूंगा। मैं शायस्ता को तलाक दे दूंगा। मैं उसे तलाक दे दूंगा। मैं उसे तलाक दे दूंगा। तलाक? बगैर वजह के कोई शोहर अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। वकील साहब, वो मुझे पसंद आई। ये कोई वजह नहीं वकील साहब। मैं उसे हर सूरत तलाक देना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, मैं उन वकीलों में से नहीं जो अपनी फीस और मुक्कल की खुशी के लिए किसी बेगुनाह औरत के सीने में तलाक का खंजर घोंप देते हैं। तलाक हो सकती है, जरूर हो सकती है, मगर दो जिंदगियों को अलग करना बहुत मुश्किल काम है। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप जो चाहे कीजिए वकील साहब। आप जितनी फीस मांगेंगे मैं आपको दूंगा। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप जो चाहते हैं वही होगा, मगर पहले यह मालूम कर लीजिए कि आपकी बीवी मां बनने वाली तो नहीं। मुबारक हो सर, खुदा ने आपको बेटा दिया है। ये क्या है? क्या हुआ है आपको? खैरियत तो है? मैं पूछता हूँ ये क्या है? ये आने वाले मेहमान की ख्याली तस्वीर। आपको खुशी नहीं हुई? तुम्हें यकीन है? क्या हकीकत भी तुम्हारे ख्याल से मिलती जुलती होगी? हकीकतों को खुदा ही जन्म देता है, लेकिन इंसान की सोच और ख्वाहिश तो खूबसूरत होनी चाहिए। बंद करो ये लेक्चर। तुम क्या समझती हो, इन बातों से तुम मेरे करीब आ जाओगी? नहीं, मैं आपके करीब आने के लिए तो नहीं कह रही हूँ। आप जब चाहे जहाँ चाहे जाए। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जब आप घर आया करें सिर्फ मेरे बनकर आए, सिर्फ मेरे बनकर। देखो शायस्ता, मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ। कुछ ना बताए, मैं सब कुछ जानती हूँ, और सब कुछ जानते हुए भी मैं आपको अपना सब कुछ मानती हूँ। क्या जानती हो तुम? आप भी जानते हैं जो मैं जानती हूँ। तुम ये कहना चाहती हो कि जब मैं बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाता हूँ तो
तो अय्याशिया करता हूं। मेरा चौर एक शरीफ आदमी है, मैं उसे अय्याश कैसे कह सकती हूं? देखो शायस्ता, मैं तुम्हें आगे कुछ ना कहिए, खुदा के लिए मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, मैं हर हाल में खुश रहूंगी, कभी कोई गिला नहीं करूंगी, कभी आपके रास्ते की दीवार नहीं बनूंगी। कौन सा रास्ता? आपकी नहीं मोहब्बत का रास्ता। मुझे इस पर भी कोई इतराज नहीं है, मैं आप दोनों के कदमों में रहूंगी, आप दोनों के कदमों में। सज्जाद अच्छा लड़का है, तुम्हें उसे साफ साफ बता देना चाहिए बेटी। वक्त आने पर मैं उसे सब कुछ बता दूंगी, और आपके पास आए तो प्लीज इनकार ना कीजिएगा। सूफिया बेटी, तुम्हारी एक गलती ने मुझे बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया है। मुबारक हो बेगम साहिबा, अल्लाह ने आपको चांद सा पोता दिया है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, आमीन। खैर मुबारक। फैजू, फैजू ऑफिस फोन करो और मैनेजर से कहो कि जैसे भी हो सज्जाद तक ये खुशखबरी पहुंचा दे, और उसे मेरा पैगाम दे कि वो फौरन वापस आ जाए। इस घर में बड़ी मुद्दत के बाद खुशी आई है, चलो मुझे मेरा पोता तो दिखाओ। शाइस्ता बेटी, अरे कहाँ है मेरा पोता? अले बाला बाला। शाइस्ता बेटी, अल्लाह ने तुझे तेरे सफर का फल दिया है बेटी। अले बाला बाला बेटा। शाइस्ता बेटी देख, मेरा बेटा कितना प्यारा है, इतना प्यारा है कि बिल्कुल सजा बन गया है। आपने सूफिया का हाथ मेरे हाथ में दे दिया, यही आपका बड़ा एहसान है। बेटा ये तो मेरा फर्ज था, खुदा का शुक्र है मुझे ये फर्ज अदा करने का मौका मिला। अच्छा इजाजत दीजिए, आ सूफिया। खुश रहो बेटी, आबाद रहो। हैरत की बात है सर जमील, सज्जाद ने नेपाल जाने के बाद ना घर की खबर ली और ना ही कोई दफ्तर से राब्ता रखा। मैं खुद बहुत परेशान हूँ बेगम साहिबा, उनके गैर मौजूदगी में दफ्तर का सारा काम अपसेट हो चुका है। मैं चंद रोज तक खुद नेपाल जाकर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। क्यों? मेरी आंखें उनको देख रही है, वो हर वक्त मेरी नजरों के सामने है। वो तुम्हारी नजरों के सामने है? हाँ, मगर मैं नहीं चाहती कि किसी और की नजर वहां तक पहुंचे। मैं जानती हूँ वो कहाँ है। तुम जानती हो, मगर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं अपने आंसू आपको नहीं देना चाहती, सिर्फ इतना जान लीजिए कि मैं बीवी का इंतजार बनकर जी रही हूँ, और आप ममता का सबर बनकर उनके लौट आने की दुआ कीजिए। आ जाएंगे। शाइस्ता बेटी, तुम्हारे आंसू तुम्हारे टूटे हुए दिल का पता देते हैं, खुलकर बात करो, तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं आंटी, कुछ नहीं। मैंने एक तस्वीर देखी थी जो मेरी तकदीर ना बन सकी। तुमसे शर्मिंदा हूँ शाइस्ता, सहेली की रूह से भी शर्मिंदा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं आंटी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सज्जाद,
सज्जाद को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं। फैजू, फैजू, जल्दी से डॉक्टर को बुला। रमा, मरने से कुछ दिन पहले बेगम साहबा ने आपके नाम लिखवाया था ताकि उनकी तमाम जायदाद आपके नाम मुंतकिल कर दी जाए। अब इस वसीयत के मुताबिक बेगम साहबा की तमाम जायदाद की आप ही मालिक हैं। रख लीजिए बेगम साहब। खुदा हाफिज। आपने बहुत देर कर दी सर, मैंने आपको बहुत तलाश किया। बेगम साहिबा ने बीमारी की हालत में आपको बहुत याद किया। छोटी बेगम कहाँ गई? अल्लाह जाने कहाँ गई। एक दिन सुबह को रजिया ने सारे घर में देखा, उनके कमरे से ये लिफाफा और ये पोटली मिली। सज्जाद साहब, मुझे इस घर में लाने वाली चली गई, वो जाते जाते सब कुछ मेरे नाम कर गई, लेकिन लेकिन एक चीज जो मेरे नाम ना कर सकी वो थी शौहर की मोहब्बत। मरने वाली ने जो कुछ मेरे नाम किया वो मैं आपके नाम करती हूँ, और आपको आपकी नई मोहब्बत के नाम, आपकी ठुकराई हुई शाइस्ता। साहब जी, बीबी जी को तलाश करें, आपका मुन्ना बहुत खूबसूरत है, गोरा चिट्टा बिल्कुल आपकी तरह। ये सब कुछ यही तो मैं पूछना चाहती हूँ, तुम्हें मैनर्स का भी ख्याल नहीं है? अपने बेहुदा मैनर्स मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। सज्जाद, मैं तो देखो सूफिया, घर को घर ही रहने दो, इसे डांस घर मत बनाओ। सूफिया, सूफिया। साहब, वो तो शाम को क्लब चली गई थी, और बेगम साहबा कह रही थी कि मैं रात को देर से आऊंगी, आप मेरा खाने पे इंतजार ना करें। क्या बात है बेटे, मैं इधर हूँ। मम्मी, मम्मी, मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हो गया। हाँ मम्मी, मैं पास हो गया। सच, तू पास हो गया? जी मम्मी, आपकी मेहनत ने मुझे इंजीनियर बना ही दिया। शाला, तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मेरी दुआएं सुन ली है। मम्मी, अब आप कोई काम नहीं करेंगे। क्यों बेटे? इसलिए कि मुझे एक नेपाली फर्म में बहुत अच्छी नौकरी मिलने वाली है,
रिजल्ट निकलने से पहले ही मैंने अप्लाई कर दिया था। इंटरव्यू कॉल भी आ गए हैं मामी, और नतीजा भी वही निकलेगा जो माँ की दुआएं लेकर जाने वालों का निकलता है। अपने मामू को खुशखबरी सुनाई? वो तो मिठाई लेने गए हैं। शकील बेटे, अमान भाई ने मुंह बोले भाई होते हुए भी सगे भाइयों से ज्यादा कुर्बानियां दी है, उनकी इज्जत में कभी कमी ना करना। मैं तो अमान मामू की बहुत इज्जत करता हूँ मामी। अल्लाह खुश रखे तुझे। शायस्ता, तेरा बेटा बहुत प्यार करता है मुझसे, जानता है तेरे पास होने की खुशी में चार चार सिर के चार पूरे डब्बे सारे मोहल्ले में बांट कर आ रहा हूँ। ले तू भी खा। शाबाश, अपनी माँ का ही मुंह मीठा करा। क्या बात है मामी, आपकी आंखों में आंसू। ये तो खुशी के आंसू है बेटे। सुफिया। अरे सज्जाद, तुम कब आए? तुम घर पे होती हो तो तुम्हें पता चले कि मैं कब आया और कब गया। अने कहाँ जा रही हो? सज्जाद, मैं दोस्तों के साथ दो तीन दिन के लिए पोखरा जा रही हूँ। ये दोस्तों के चक्कर वक्कर छोड़ो और कुछ घर की जिम्मेदारियां भी देखो। तुम्हें पता है कि रूबी कल पाकिस्तान पहुंच रही है और मैं भी बिजनेस टूर पे पाकिस्तान जा रहा हूँ। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा सज्जाद, मैं चलूं, दूर सारे मेरा इंतजार कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन? सोफिया, तुम्हें पता है कि तुम मेरी बीवी हो। ये दोस्तों के झमेलों के अलावा तुम पे कुछ और जिम्मेदारियां भी आई। तो मैं क्या करूं? तुम्हारी तरह कोल्हू का बैल बनकर जिंदगी गुजारूं जो घर और दफ्तर के चक्कर में बंधा हुआ है? सोफिया, देखो सज्जाद, तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं और मेरे पास तुम्हारे लिए। तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है तो ना सही, लेकिन रूबी के लिए वक्त होना चाहिए। ओफो, रूबी को आने तो दो। तुमने तो मेरी पार्टी में चार चांद लगा दिए। चांद तो एक होता है, ये चार चांद कहाँ से आ गए? भई ये मुहावरा है। मुहावरा गलत भी तो हो सकता है। ओहो, तुमसे वाला कौन जीता है? अभी तक तो कोई हारा भी नहीं। मिस्टर शकील, इनसे मिलिए, ये मेरी सहेली है मिस रूबी, ये बाहर से तालीम हासिल करके आई है। ओह, दिस कुकी। मिस्टर शकील, आपको लड़कियों से बात करनी भी नहीं आती? हाय हाय, क्या कहूँ क्या ना कहूँ, अभी तक तो आपके सिवा किसी लड़की से बात करने का मौका ही नहीं मिला। ओह यू शट अप। डोंट वरी, मैं आपको किसी और प्रोजेक्ट में अकोमोडेट करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू मिस्टर मुबीन। यस सर। अब मैं महसूस कर रहा हूं कि हमारे मुल्क में टैलेंट्स की कमी नहीं है, लेकिन हम उन्हें सही रास्ता दिखाने में नाकाम है। आपने ठीक फरमाया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यही वो नौजवान है सर जिन्होंने आर्किटेक्ट में टॉप किया है। बैठिए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? शकील। पहले कहीं काम किया है? जी नहीं। कोई तजर्बा? तजर्बा काबिलियत का दूसरा मरहला है सर। अगर मेरे स्कूल का रिकॉर्ड, मेरे तारीफी सर्टिफिकेट्स और मेरी डिग्री भी मेरी काबिलियत की कसौटी नहीं, तो आप एक मरतबा फिर मेरा इम्तहान ले सकते हैं। हाँ बरखुदार, माशाल्लाह, बहुत एतमाद है आपको अपने आप पर। आज के हर नौजवान को अपने ऊपर मुकम्मल एतमाद है सर, मगर अफसोस की बात यह है कि ना कोई भरोसा करता है और ना ही कोई मौका देता है। मिस्टर शकील। यस सर। जरा यहां आइए जी। इस इमारत को जरा गौर से देखिए और बताइए कि इसमें क्या खामी है। इस इमारत में सर दो सुतूनों की कमी है,
जिनके ना होने से इमारत के गिरने का खतरा है। लेकिन वो दो सुतून इस इमारत को बदनुमा नहीं कर देंगे। नो सर, पुख्तगी खूबसूरती से ज्यादा बेहतर होती है। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं। फर्ज करो इस इमारत का रंग सफेद कर दिया जाए तो तुम्हारे ख्याल में कैसी लगेगी? खूबसूरत लगेगा सर, लेकिन उसमें सेपरेशन देने के लिए हमें काले रंग के पिलर्स देने होंगे। व्हाट? ब्लैक? जी हाँ सर, जब तक काला रंग दरमियान में नहीं आएगा सफेद रंग निखरेगा कैसे? अच्छा बैठिए। सर ये चंद सर्टिफिकेट्स और स्केच प्रूफ्स हैं जो मुझे मेरे इंस्टीट्यूट की जानिब से मिले हैं। आई सी, ठीक है। आप ये फाइल मिस्टर मुबीन से ले लीजिएगा। एंड मिस्टर शकील, यू आर अपॉइंटेड। थैंक यू सर, मगर जाना कब होगा? मिस्टर मुबीन आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे। एक रिक्वेस्ट करनी थी सर आपसे। हाँ। वो ये कि मैं अपनी मम्मी को भी साथ ले जाना चाहता हूं। अगर मुमकिन हो सके तो मैं कम तनख्वाह पर भी काम करने को तैयार हूं। फिलहाल ऐसा मुमकिन तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके यंग मैन, बेस्ट ऑफ लक। मिस्टर शकील, तुम क्या चोरी करके भागे हो? चोरी करके तो नहीं भागा, अलबत्ता चोर का पीछा जरूर कर रहा हूँ। तशरीफ लाइए, आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाऊँ। मैं अपनी मंजिल पे खुद पहुँच जाऊंगी। हड़प मंजिल तक पहुँचा दूँ। यस यस, कम इन। तो तुम हो? अंदर नहीं आऊंगी। क्यों? आप कल के यहाँ आए हैं और फोन आज किया है। बेटी देखो, मैं बहुत मशगूल था इसलिए तुम्हें फोन नहीं कर सका। चलो। नहीं। अरे पागल मत बनो, चलो आओ। शाबाश, आ जाओ और नाराजगी छोड़ो। आंटी कैसी है? आंटी, चार दिन हुए मुझे नेपाल से आए हुए, वो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गई। खैर, अब तो मेरे साथ चलोगी तो तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। अरे हाँ, सामान कहाँ है तुम्हारा? मैं आपसे नहीं बोलूंगी। हैं? तुम्हें अच्छी नौकरी मिली है, इससे इससे बड़ी खुशी और मेरे लिए क्या हो सकती है? मगर इस खुशी के पर्दे में एक गम भी छुपा हुआ है मामी। गम? अल्लाह ना करे तुझे कोई गम हो बेटा। आप इतने दिन मुझसे जुदा रह सकेंगी? क्यों नहीं, औलाद की भलाई के लिए उसे आंखों से दूर भी करना पड़ता है। याद है मामी, मैं एक हफ्ते के लिए स्काउट कैंप गया था तो इधर आपने रो रो कर आंखें सुजा ली थी और उधर मेरे साथी कहते थे कि बच्चे को मां याद आ रही है। मैं अब भी वही बच्चा हूं मामी, मैं आपसे दूर रहकर खुश नहीं रह सकूंगा, खुश नहीं रह सकूंगा। पगले, अब तो जवान हो गया है, सब्र से काम ले। सब्र का जो पत्थर आपने अपने दिल पर रखा है वो तो अभी से पानी बंद कर आपकी आंखों से बहने लगा है मामी। नहीं, मैं तो नहीं रो रही हूँ। मैं कहाँ रो रही हूँ, मैं तेरे जाने की तैयारी करती हूँ। हाँ।
मम्मी। क्या बात है बेटे, तुम अभी तक सोए नहीं? आप भी तो जाग रही हैं मम्मी। सो जा बेटे, सुबह तुझे सफर पर जाना है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं नेपाल नहीं जाऊंगा। मैं आपके बगैर कैसे रह सकूंगा? मैं आपके कदमों में रहना चाहता हूं मामी। तुम्हें अपनी आंखों से दूर करने को जीत तो नहीं चाहता बेटा, लेकिन जरा सोचो तो सारी जिंदगी मां की सूरत देखते रहोगे तो तरक्की कैसे करोगे? हाँ दुनिया में एक सूरत है जो सबसे खूबसूरत है, आंखों में उसकी ममता है, कदमों में उसके जन्नत है। दुनिया में एक सूरत है जो सबसे खूबसूरत है, आंखों में उसकी ममता है, कदमों में उसके जन्नत है। दुनिया में एक सूरत है जो सबसे खूबसूरत है। देती है माँ मिलता है जग में कहाँ, जो प्यार देती है माँ मिलता है जग में कहाँ, कर देती है जानी सा अनमोल है उसका प्यार, कर देती है जानी सा अनमोल है उसका प्यार। सोचो तो एक फरिश्ता है, कहने को एक औरत है, आंखों में उसकी ममता है, कदमों में उसके जन्नत है। दुनिया में एक सूरत है जो सबसे खूबसूरत है। सेहत का ख्याल रखना, खैरियत का खत लिखना, अल्लाह तेरा निगहबान हो, मुझे ज्यादा याद न करना।
की दुआ जिसने ली उसको मिली हर खुशी, माँ की दुआ जिसने ली उसको मिली हर खुशी। एक मुस्कुराहट तेरी है माँ है दौलत मेरी, एक मुस्कुराहट तेरी है माँ है दौलत मेरी। माँओं का दिल खुश रखना ये भी तो एक इबादत है, आंखों में तेरी ममता है, कदमों में तेरे जन्नत है, दुनिया में एक सूरत है, है माँ वो तेरी सूरत है। नहीं बेटे, वो तुम अंदर आई थी ना, इसलिए मेरी आंख खुल गई। मेरी वजह से? हा? और ये कपड़े? हाँ, बैठो। मैं सब कुछ समझती हूँ अंकिल, आप और आंटी एक घर एक कमरे में रहते हुए भी एक दूसरे से बहुत दूर है। तो अब तुम फिलोसफर भी हो गए? बच्ची नहीं हूं अंकिल, आज मुझे आए दूसरा दिन है, मगर आंटी घर पर नहीं आई और आप घर पर रहते हुए भी घर में नहीं है, आप उन्हें समझाते क्यों नहीं, ये सब क्या है? बेटे, तुम्हें ये सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब नानी अम्मा मत बनो और जाके सो जाओ, जाओ। ये कैसे हो सकता अंकिल, आप जाग रहे हो और मैं सो जाऊं? तो फिर जाओ एक प्याली चाय बना के लाओ, और हाँ आते वक्त स्क्रैबल भी लेते आना, खेलेंगे। अंकल, अंकल मेरी परेशानी की वजह काम की जाती नहीं है, बल्कि मेरी परेशानी की वजह सूफिया की घरेलू जिम्मेदारियों से लापरवाही है। नहीं, मैं उसे समझाऊंगा। दरअसल सजाद बेटे, बचपन से उसे मां का प्यार नहीं मिला, इसलिए मैंने उसे हमेशा जरूरत से ज्यादा प्यार देने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो जरा खुद सर हो गई है। तुम जरा उसे प्यार और मोहब्बत से समझाओगे तो वो समझ जाएगी। मेरे सब और मेरे सब्र की इंतहा हो चुकी है। अब देखिए, रूबी तालीम मुकम्मल करके आ चुकी है, हाँ, लेकिन सूफिया को उसकी कोई परवाह नहीं। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरी बात है बेटे। रूबी को इस उम्र में तुम दोनों के प्यार और निगरानी की सख्त जरूरत है। हाँ, मगर हिम्मत से काम लो बेटी। हाँ अंकल, मैंने रूबी को कभी भी अपनी बेटी से कम नहीं चाहा है। उधर सूफिया को डिस्को और कसीनो से फुर्सत नहीं। मैं पूछती हूँ तुम्हें मेरे पीछे कसीनो आने की जरूरत क्या थी? तुम्हें एहसास दिलाने के लिए कि शौहर के भी कुछ हुकूक होते हैं। शौहर अगर सोशल लाइफ की मेहनत ना जानता हो तो उसे बीवी से हक मांगने का कोई हक नहीं। मैं तुम्हारी खातिर अपनी जिंदगी का अंदाज नहीं बदल सकती। सूफिया, तुम्हारे ज्यादा पढ़ती जा रही हूं। काश तुमसे शादी करने से पहले मुझे मालूम होता कि तुम्हारा असली रूप ये होगा, तो मैं कभी अपनी जिंदगी का रास्ता ना बदलता। अगर ये पता होता कि शादी के बाद तुम मुझे रूखी पीकी जिंदगी गुजारने पर मजबूर करोगे तो मैं अपनी आजाद जिंदगी कभी तुम्हारे नाम ना करती। कितनी आजादी चाहती हो तुम? मर्द दोस्तों के साथ पिकनिक मनाना, डिस्को में रातें गुजारना, मेरी खून पसीने से कमाई हुई दौलत को कसीनो में लुटाना, क्या समझ रखा है तुमने आजादी का मतलब? कहीं ऐसा ना हो
कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूं। मैं घर की चार दीवारी में चूल्हे चक्की की गुलाम बनकर जीने वाली औरत नहीं हूँ जो तलाक से घबरा जाए। अगर तुम सोसाइटी में मेरे साथ मेरे स्मार्ट शोहर की तरह मूव नहीं कर सकते तो बेशक मुझे तलाक दे दो, लेकिन आज के बाद तुम मेरे पीछे आकर कभी मेरी इंसल्ट नहीं करोगे। जब तक रात रहे जीवन की राह में तेरा मेरा साथ रहे इतना। धत तेरे की, 9 बज गए, आज पहले दिन है, आज ही लेट हो गए। टैक्सी। तुम यहां भी पहुंच गए? ये टैक्सी नहीं कार है। इंटरनेशनल आवारा लगते हो। किस लड़की का पीछा करते आए? वो लड़की आपसे ज्यादा खूबसूरत है। लगता है किसी दिन कैद हो जाओगे। कैद होने के लिए तो आया हूं, किसी की जुल्फों में, किसी की बाहों में, किसी के दिल के सनम खाने में। ओ, अब समझी, किसी शायर के चेले हो। माँ का हूँ मैं चेला, नेपाल में हूँ बिल्कुल अकेला। क्योंकि इस वक्त हो रहा हूँ लेट, आप मुझे न्यू रोड तक लिफ्ट दे सकती हैं? सॉरी, मैं लिफ्ट देने की आदी नहीं हूँ। आउच तेरे की। मिस्टर सज्जाद, यू आर वेरी लकी कि आपको इन तमाम मंदिरों की मरम्मत का इतना बड़ा ठेका मिला, क्योंकि नेपाली हुकूमत ने आज तक किसी गैर मुल्की इंजीनियर को इतना बड़ा ठेका नहीं दिया। थैंक यू वेरी मच मिस्टर थापा। अब ये काम वक्त पर खत्म हो जाए तो बेहतर है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। काम शुरू करने से पहले मैंने इन इमारत का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी स्टडी कर लिया है और इसके लिए खास तौर से स्पेशल स्टाफ रिक्रूट किया है। वेरी गुड, इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने में आपका हिस्टोरिकल नॉलेज भी काम आया है। अस्सलाम वालेकुम सर। ओ, पहुंच गए तुम शकील। मैं सर दफ्तर पहुंचा तो वहां मुझे पता चला कि आप ये प्रोजेक्ट देखने आए हैं, सो मैं यहां चला आया। सॉरी सर, मैं लेट हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मीट माय न्यूली अपॉइंटेड आर्किटेक्ट इंजीनियर मिस्टर शकील। हेलो। हेलो, ग्लैड टू मीट यू मिस्टर थापा, महकमे आसारे खदीमा के डायरेक्टर। शकील, मैं तुम्हें दफ्तर जाकर कुछ इन इमारत के बारे में लिटरेचर दूंगा जी, तुम इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना, फिर उसके बाद इन इमारत पे काम शुरू करेंगे। ओके सर। Batman, what can I do for you? I want 2,000. Only 2,000? Yes. Okay, you will get. And then you? I want 3,000. Only 3,000? Yes. Okay, you will get. And you, tall man, what can I do for you? I want only 4,000. Only 4,000? Yes. Okay. Oh, what can I do for you? Paisa nahi. Yes, you will get it. Hmm.
तू ठीक लेडी बैक अप, आओ उनका पीछा करते हैं। नहीं, मैं भागने वालों का पीछा नहीं किया करती, भेजने वालों का भेजा निकाल दिया करती हूँ। मोहतरमा, मैं कोई होंडा नहीं हूँ, मैं तो बड़ा शरीफ आदमी हूँ, और ये भेजने वाली बात मेरे भेजे में नहीं आई। आपका क्या मतलब? उन होंडों को मैंने आपके पीछे भेजवा तो और क्या, मेरी नजर में हीरो बनने के लिए। आपको अपने बारे में गलत फहमी है, न तो आप मेरी नजर में हीरोइन है और न मैं हीरो बनने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं तो पैदाइशी हीरो हूँ, बॉर्न हीरो। पूछ लेते हैं क्यों जी? पैदाइशी हीरो साहब, वो बेवकूफ लड़की तो किसी खेत में बकरियां चरा रही होगी जो आपको हीरो समझेगी। एनी हाउ, आइंदा मेरा पीछा किया तो वो हशर करूंगी जो विलन का किया जाता है, अंडरस्टैंड? मुझे तो नहीं नहीं कहा। अरे शकील, आओ 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 बैठो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये लो, ये स्केच देख लेना, और अगर फिनिशिंग की जरूरत हो तो कर लेना। सज्जाद जी, अच्छा शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शकील, तुमने जो हुंडो के बारे में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जी, वो सब पकड़े गए। डीएसपी साहब तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहे थे। अच्छा अंकल, मैं चलती हूँ, शॉपिंग के लिए कल जाऊंगी। गुड, तुमने मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया, वरना नहीं तो सारे काम छोड़ के मुझे खुद यहां से भागना पड़ता। शकील जी, ये मेरी भांजी है रूबी। पहली मर्तबा देखा है? भाई जाहिर है, पहली बारी आई है तो पहली बारी देखोगे। हाँ, वो गुंडो वाला क्या था? अंकल मैं चलती हूँ। बैठो, चाय तो पीती जाओ। गुंडे एक लड़की को छेड़े थे सर। अच्छा, जैसे ही मैं वहां पहुंचा वो गुंडे भाग गए। अब मोहतरमा ये समझी कि उन गुंडों को मैंने भेजा था। अजीब लड़की थी। बिल्कुल पैदल सर। मैं चलती हूँ अंकल। अरे बैठो, चाय तो पीती जाओ, बैठो बैठो। कभी पार्टी का जिक्र करती थी, कभी कहती थी कि तुम बार बार टकराते क्यों हो, और फिर कहा कि तुमने जानबूझकर मेरी कार क्यों रोकी थी। हाँ, इसका मतलब है कि उसने तुम्हें पहचानने में गलती की। एग्जैक्टली सर, मुझे तो वो बिल्कुल पागल नजर आती थी। अरे 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 अरे, अरे, अरे इतनी गर्म गर्म चाय पी गई, पागल कहीं की। हाँ लाओ शकील मियां, इसका कैश लाओ। जी ये लें सर। अच्छा मिस्टर, ए मिस्टर, मिस्टर नहीं मिस्टर शकील। तुमने मुझे कहा था मैं पागल हूँ? तो मैंने गलत तो नहीं कहा था? तुम्हारा मतलब है मैं पागल हूँ? बिल्कुल पागल। सुनो, कहो। पागल से दोस्ती करोगे? करूंगा। प्रॉमिस। प्रॉमिस।
तुझसे हो गया प्यार, जिस दिन तुझसे बात न हो, जिस दिन मुलाकात न हो, मैं बेचैन सी रहती हूँ, तू ही बता दे ऐसा क्यों होता है सनम। एकांची मुझे तुझसे हो गया प्यार, जब से तुझको देखा है मुझको ऐसा लगता है कुछ बिन जी नहीं पाऊंगा, तेरे बिना मर जाऊंगा प्यार की कसम। तुझसे हो गया प्यार, जब से तुझको देखा है मुझको ऐसा लगता है तुझ बिन जी नहीं पाऊंगा, तेरे बिना मर जाऊंगा प्यार की कसम। मम्मी जान,
आपकी मोहब्बत और अजमत को सलाम। आपकी दुआओं के साए में मैं बखैरियत नेपाल पहुंचकर सारा काम संभाल चुका हूं। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मेरे काम से बहुत खुश हैं। मामी, घर आते जाते आपकी तस्वीर से बातें करके दिल बहला लेता हूं। यहां सब कुछ है, अगर कमी है तो सिर्फ आपकी ममता की। मामी, खुदा के लिए आंसू पोंछ लीजिए और मुस्कुराइए। फकत आपका बेटा शकील। आज तो आपने मुझे बचा लिया। मैंने नहीं, खुदा ने। तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं। खून, आपका खून बह रहा है। अरे, मेरी आस्तीन पे तो तुम्हारा खून है, जख्मी तो तुम हो। चोट आपको भी कहीं लगी है? महसूस तो नहीं होती। शायद अंदर की चोट हो, ऐसी चोट फौरन महसूस नहीं होती, बाद में रंग लाती है। बेटे, मेरी खैर है, खुदा ना खास्ता तुम्हें ज्यादा चोट लग जाती तो मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब देता? मेरी माँ बड़ी साबिर औरत है सर, वो किसी से उसकी गलती का हिसाब नहीं मांगती। बेटे चलो डिस्पेंसरी चलो, कहीं ज्यादा खून ना बह जाए। आओ। क्या हुआ रूबी, कुछ बोलो भी। ओहो, कुछ बोलो ना प्लीज, क्यों रो रही हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम क्या करती? मर जाती। तो मरो ना मुझ पर, इससे अच्छा मरने का मौका और कौन सा होगा? शर्म नहीं आती? वो तो नहीं आएगी। बदतमीज बेहया बेशर्म, खबरदार जो आइंदा मुझसे बात की। अरे अरे, मेरी बात तो सुनो, बात तो सुनो। जेल में एक रात भी नींद नहीं आई, तेरी सूरत मेरी आंखों में घूम रही। तुम क्या समझती थी कि हम सारी जिंदगी जेल में रहेंगे? कोई खत आया है शकील का? नहीं भैया, ये वही खत है, अभी चार रोज पहले तो आया है। इतनी जल्दी इतनी दूर से खत कैसे आ सकता है? यही तो मैं देख रहा हूँ कि तुम एक ही खत को कई दिनों से बार बार पढ़ रही हो। हर बार इस खत का मजमून नया हो जाता है भाईजान। सोचती हूँ वहाँ उसका ख्याल कौन रखता होगा, पता नहीं परदेश में वो कैसे वक्त गुजरता होगा। यहाँ तो जरा जरा से बात पर शोर मचाता था, वहां उसके नाज कौन उठाता होगा। रीरा री, अंदर कोई है?
अंदर मत आना, मर जाना है। कोई बात नहीं, मरते अपना है। क्या बात है, क्यों सुबह सुबह दिमाग काटने आई हो? अरे बनियान तो सीधी पहन लो। लो खुद ही पहना दो। अब के लोग पर हो तुम? ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। चूस लो इसे, बड़ी अच्छी लगोगी। मैं चली जाऊंगी। तो चली जाओ, मैंने बुलाया था। अरे नाराज क्यों होते हो? ये तो बताओ 3 दिन से कहो। 3 दिन से? अब तो मैं तुम्हें 3 हफ्ते बल्कि हफ्तों नजर नहीं आऊंगा। पता है क्यों? मेरी मम्मी आ रही है। कितनी स्वीट है तुम्हारी मम्मी। मम्मी से मिलाओगे ना? तौबा तौबा तौबा, जूते खाने मैंने, मार खानी है, है? तो फिर बात कैसे बनेगी? बड़ा आसान तरीका है, इन कपड़ों की जगह मशरकी लिबास पहनना है, और जब मशरकी लिबास पहन लो तो फिर दुपट्टा इस तरह पहनना, आहिस्ता से दरवाजा खटखटाना, मम्मी दरवाजा खोलेगी, झुककर मम्मी को सलाम करना, उसके बाद मम्मी तुम्हें अंदर आने को कहेगी, कदम कदम अंदर जाना, इधर उधर देखना और पूछना, शकील साहब कहाँ है, अंकल बुला रहे हैं। उसके बाद मम्मी तुम्हारा नाम पूछेगी, तुम्हारे बारे में मालूम करेगी, बस समझ लो काम बन गया। कैसे बन गया? अरे जिसने देखा तुम्हें एक बार, देखेगा वो बार बार। पीछे हटो, मेरी मम्मी को तुम पसंद आ जाओगे। चलता, जो खुशियाँ तूने मुझे बख्शी है, मैं इसके काबिल तो नहीं थी। मैं किस सुबह से तेरा शुक्रिया अदा करूं? घर पसंद आया मम्मी? बहुत अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है बेटा, बहुत ही खूबसूरत है। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है मम्मी। अरे भाई, ये माँ बेटे में क्या बातें हो रही हैं? क्या बताऊं भैया, ये यहाँ आकर और शरीर हो गया है। अच्छा मम्मी, अब मैं चला। नाश्ता नहीं करेगा? अरे मारे गए। क्यों, क्या हुआ? सर ने कहा था नाश्ता मेरे साथ करना, फिर एक साथ साइड पर चलेंगे। मैं चला। तो शाम को आओगे? जी हाँ मम, जा तो फिर मुझे खुदा हाफिज़ कह लो, इसलिए कि मैं शाम को चला जाऊंगा। एक दो दिन तो रुक जाते मामू जान। नहीं बेटे, अब तुम्हारी शादी में शिरकत करूंगा। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मम्मी। खुदा हाफिज। शाइस्ता बहन, अब इसकी शादी कर ही डालो। इंशाल्लाह। वो खालाजान। जीती रहो बेटी, अंदर आ जाओ। आओ अंकल, ने शकील साहब को बुलाया है। तुम्हारे अंकल ने? कौन है तुम्हारे अंकल? जहां शकील साहब काम करते हैं। वो तो सुबह सुबह वहीं चला गया है, कह रहा था कि मैं नाश्ता भी वहीं करूंगा। नाश्ता करके तो दोनों चले गए थे, फिर वापस नहीं आए? नहीं। कौन, तुम्हारे अंकल या शकील? तुम? नहीं अंकल, नहीं नहीं शकील, नहीं दोनों ही। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? राबिया। मुझे प्यार से मुझे रूबी कहते हैं। बहुत प्यारा नाम है। और मैं कैसी हूँ? तुम बहुत प्यारी हो। अच्छा मैं चलती हूँ, आती जाती रहूंगी। आपने मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुम यहाँ? मैंने तुमसे कहा था किसी रोज आकर मम्मी से मिलना, और तुम आज ही टपक पड़ी। तो फिर क्या हुआ, आज का दिन मनहूस है क्या? मनहूस नहीं, तुम्हारा सर। ओह मेरा सर? नहीं, तुम्हारे अंकल अभी यहाँ आने वाले हैं। यहाँ आने वाले? मेरे अंकल? हाँ। फिर मैं जाऊँ? अरे अरे मेरी बात तो सुनो, मम्मी से मिली थी, क्या बात हुई? मेरा काम बन गया।
मम्मी ने मुझे पसंद कर लिया। अरे अरे बात तो सुनो, मेरा क्या बनेगा? मम्मी। शकील। जी मम्मी। इधर आ। बाहर क्यों खड़े थे? बाहर मैं तो नहीं था खड़ा। उस लड़की को तुमने भेजा था? लड़की? क्या यहाँ कोई लड़की आई थी? आई थी। कैसी थी? कैसी थी? कोई खास नहीं। क्यों? बेचारी गूंगी थी। गूंगी? हाँ। उसने आपसे कोई बात नहीं की? सुबह जो जो बातें चकाकर भेजा था, एक एक बात उसने मुझे बता दी है। बस उसका यही भोलापन तो मुझे पसंद आया। फिर क्या ख्याल है मम्मी? नेक ख्याल है बेटे। अरे मम्मी। अरे मारे गए। क्या हुआ? मैंने रस्मी तौर पर सर से कहा था किसी रोज कर मेरे यहाँ खाना खाए। कहने लगे, भाई खाना खिलाना है तो आज ही खिलाओ। मैंने उन्हें इनवाइट किया और वो आने वाले हैं। अब क्या होगा मम्मी? आ रहे हैं तो आने दो, किसी चीज की कमी नहीं होगी, समझे? अरे भाई स्वीट स्वीट मम्मी। वेलकम सर। कैसे हो? आई वॉज वेटिंग फॉर यू। आइए ना, आइए सर। हाय ना, आइए। थैंक यू भैया। अच्छा घर है, तुम्हारी मम्मी को पसंद आया? मम्मी को तो बहुत पसंद आया। आप बैठे ना, आप बैठे प्लीज, मैं खाने लगवाता। श्योर। शकील मेरा बेटा है। शकील मेरा बेटा है। नहीं, अगर शकील को पता चल गया कि मैं उसका बाप हूं तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? तूफान आ जाएगा, कयामत टूट पड़ेगी। नहीं, मुझे यहां नहीं ठहरना चाहिए, मुझे यहां नहीं ठहरना चाहिए। आइए मम्मी, आपको सर से मिलाओ। आइए ना सर, ये मेरी। अरे सर कहां चले गए? मम्मी हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो गई हो, मैं पता करके आता हूं। सर। हाँ? आप अचानक चले आए, खैरियत तो थी ना? हम परेशान हो गए थे बेटे। वो दरअसल मेरी तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए मुझे मजबूरन वापस आना पड़ा। शकील बेटे, तुम्हें पाकिस्तान जाना होगा, एक टेंडर खुलने वाला, फाइल लेकर उसे अच्छी तरह से स्टडी कर लो। शाम में मुझसे डिस्कस करके कल सुबह चले जाओ। ओके सर। ओके। कौन है? किससे मिलने आए हैं? तुमसे शास्त्रा, तुमसे। मेरा नाम लेकर मुझे इम्तिहान में मत डालिए, खुदा के लिए चले जाइए यहां से। अगर
अगर मेरा बेटा शकील आ गया तो? शकील यहां नहीं आएगा, इसलिए कि मैंने उसे दफ्तर काम से भेजा। हाँ शाइस्ता, मैं ही शकील का बास हूं। मैं कितना बदनसीब बापू की जो बेटे को बेटा नहीं कह सकता। कसूर किसका था? खुदा के लिए चली जाइए यहां से। ऐसा ना कहो शाइस्ता, मैं तो तुम्हारी सूरत देखने के लिए तड़प रहा हूं। जिस सूरत में परसों पहले कोई कशिश ना थी, अब इस सूरत में क्या रह गया है? सूरत ही देखनी है तो अपने बेटे की सूरत देखिए, जिसमें आपको अपनी तस्वीर नजर आएगी। इसलिए तो उसे सीने से लगाने के लिए मेरा रूआ रूआ तड़प रहा है। तो फिर लगाइए ना अपने बेटे को सीने से, चूमिए ना उसका माथा। किसने रोका है? मैं तो उसे जन्म देने की कसूरवार हूँ। खून तो आप ही का है। शाइस्ता, बंद किताब को बंद ही रहने दीजिए सज्जाद साहब। अगर उसे पता चल गया कि उसका बाप उसकी माँ को छोड़कर गया था, तो उसे नफरत हो जाएगी आपसे। बाप का वो तसव्वुर जो मैंने उसके जहन पे बिठाया, वो मिट जाएगा, वो मिट जाएगा। चले जाइए, चले जाइए यहाँ से। अंकल, मैं उसकी बीवी हूँ, वो गुलाम नहीं, जो सुबह शाम झुक झुक कर उसे सलाम करे। आप जाकर सज्जाद से बात करें, आखिर वो चाहता क्या है? तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ अगर वो आजादी से जीते नहीं देख सकता तो तलाक दे दे। सूफिया, पहली तलाक की सजा आज तक काट रही हो, इसके बावजूद भी दूसरी बार तलाक लेने को तैयार हो, तो मैं क्या करूँ? मैं अपने दिल के दाग किसे दिखाऊं? अपने शौहर को। अरे मियां बीवी का रिश्ता एतमाद और वफा का रिश्ता होता है, लेकिन तुमने इस रिश्ते की इब्तदाई झूठ से की। मैंने दूसरी शादी करके गलती की थी। उस लालची इंसान की बच्ची को किसी यतीम खाने में दाखिल करा के आजाद जिंदगी गुजार के तो अच्छा था। सूफिया, तुम कैसी माँ हो जो अपनी सगी बच्ची को अपनी जिंदगी के लिए बोझ समझती हो? एक सज्जाद है जो तुम्हारी बेटी को तुम्हारी भांजी समझकर भी बाप का प्यार दे रहा है। जिस दिन उसे ये मालूम होगा कि तुम उस बच्ची की हकीकी माँ हो और तुमने उसे धोखे में रखा है, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? नहीं, अब भी जिद छोड़ दो। तुम देखो सज्जाद अच्छा आदमी है, तुम उसे खुद ही बता दो। जो होना था हो गया अंकल, अब इस राख में दबी हुई चिंगारी को हवा न दीजिए, वरना सारी जिंदगी शोलों की नजर हो जाएगी। जेल से भाग आए, सजा खत्म हो गई तुम्हारी, मेरी जिंदगी में आग लगाने के लिए दोबारा चले आए हो। आग तो तुम खुद लगाओगी सूफिया बेगम। अब तो मैं सिर्फ तमाशा देखूंगा अपनी बीवी की तबाही। कैसी बीवी? तुम मुझे तलाक दे चुकी हो, अब मैं किसी और की बीवी हूँ। जुबानी तलाक का कोई सबूत तुम्हारे पास नहीं है, अलबत्ता मेरे पास ये निकाहनामा मौजूद है जो साबित करता है कि तुम मेरी बीवी और मेरी बच्ची की माँ हो। ये निकाहनामा तुम्हें और तुम्हारे नए शोहर को जेल भिजवा सकता है। तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो, लेकिन याद रखो ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होगा और आज ही होगा, जो काम मैं प्यार और खामोशी से करना चाहता हूँ। तुम चाहती हो कि वो जबरदस्ती और हंगामे से हो? अगर तुम चाहती हो
कि मैं चुप रहूं, तो मेरी खामोशी का मुआवजा सिर्फ 5 लाख रुपया। 5 लाख? खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, इतनी बड़ी रकम मैं कहां से लाऊंगी? तुम्हारे अंकल की तिजोरी और शौहर का बैंक बैलेंस किस दिन काम आएगा? ठीक है, मैं रकम दूंगी, मुझे कुछ मोहलत दो और वादा करो रकम मिलने के बाद आइंदा तुम मेरी जिंदगी में कभी नहीं आओगे। इतनी बड़ी रकम लेकर तुम्हारी जिंदगी में मैं फिर क्यों आऊंगा? अरे कई जवां बाहें फैल जाएंगी मेरी राहों में मेरी जान। लेकिन याद रखो, 3 दिन के अंदर अंदर रानी बन में मेरी रकम ना पहुंची तो तुम्हारी जिंदगी में तूफान आ जाएगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें ये सब कुछ सुनकर बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन मेरे दिल पर एक बोझ था जो आज हल्का हो गया। तू किस बात कर रही है कि सूफिया ने मुझसे झूठ? तू कह तो इस बात का है कि एक झूठ छुपाने के लिए वो कितनी हकीकतों से मुंह मोड़ के छिप रही। सूट कैसा है? बहुत अच्छा है, रख दे इसे, तुम्हारी दुल्हन के काम आएगा। मामी, मैं मामू अमान की तरफ भी गया था। अच्छा, आपको बहुत याद कर रहे थे और मैं उन्हें भी शॉपिंग करा आया हूँ। ये तो तूने बहुत अच्छा किया बेटे। और मम्मी, उन्हीं के साथ जाकर ना मैं आपके ये कंगन भी छुड़ा लाया हूँ। सेठ तो देने को तैयार ही नहीं था, कहता था इतने अरसे के बाद गिरवी रखी हुई चीज हमारी हो जाती है, मगर मैंने कहा कि जितने चाहे पैसे ले लो, ये कंगन मुझे दे दो, इसलिए कि ये मेरी मां के सुहाग की निशानी है। लीजिए ना मम्मी। आज फिर अबू याद आ गए। हाँ मम्मी, ये सूट मैं सर के लिए लाया हूं। मम्मी, सर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, न जाने क्यों मुझे उन पर इतना प्यार आता है। जी चाहता है मैं उनसे बातें किए जाऊं, उन्हें देखे जाऊं। मम्मी, ये सूट कैसा रहेगा उनके लिए? देखे ना मम्मी। शकील! क्या बात है मम्मी, क्या हो गया है आपको? कुछ नहीं, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। ये आप क्या कह रही हैं? तुम फौरन नौकरी से इस्तीफा दे दो। मम्मी, ये मेरा हुक्म है। शकील, मैं माँ का हुक्म नहीं टाल सकता। मुझे भूल जाओ रूबी, मुझे जाना ही पड़ेगा। यूं समझना मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी आया ही नहीं था। कितनी आसानी से तुमने मुझे सलीब पर लटका दिया। मैं मजबूर हूं रूबी, मेरे सामने अजमत की वो दीवार आ गई है जिसे फलांता हूं तो गुनाहगार कहलाता हूं। रूबी बेटी, मैं किसी की बेटी नहीं हूं, मेरा कोई नहीं है। कोई मुझे अपना समझता तो मेरी खुशी के लिए भी सोचता। रूबी बेटी, ये सच है, मैंने आज तक तेरा हक अदा नहीं किया, कभी तेरे बारे में सोचा नहीं। हमेशा अपनी जिंदगी की छोटी खुशियों के पीछे भागती रही, लेकिन अब एहसास हो गया है कि मेरी सच्ची खुशी तो तेरे भोले भाले चेहरे की मुस्कुराहट है। मुझसे तेरे आंसू देखे नहीं जाते बेटे, ये आंसू मेरा मुकद्दर है। आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूंगी जो आज तक ना कर सकी।
फरमाइए। सोचती हूँ इसी सज्जाद कहकर अपना तारुफ कराऊं या रूबी के रिश्ते से अपनी पहचान। आप बड़े लोग हैं और बड़े लोगों के कई रूप होते हैं, मगर मेरा रूप तो सिर्फ ये है कि मैं शकील की माँ हूँ। मगर मैं ये शनाख्त खो चुकी हूँ कि कहाँ का इंसाफ है कि तलाक मियाँ बीवी में हो और सजा औलाद भुगते। जी मैं आपका मतलब नहीं समझी। मैं रूबी की माँ हूँ, एक ऐसी माँ जिसने बेटी को भांजी बनाकर अपने शौहर और जमाने को धोखा दिया, लेकिन अपनी ममता को धोखा ना दे सकी। बेटी की आंख से एक आंसू टपका और मेरे सब्र का बंध टूट गया। मैं नदामत के समंदर में डूबती हुई माँ हूँ, मुझे सहारा दे दो बहन, मेरे दामन में मेरी बेटी की खुशियां डाल दो। मुद्दत से भटकी हुई ममता सीधे रास्ते पर आई है। राबिया बिनते बाकर अली, वाइफ़ हक महर मबलिक 5 लाख रुपया सिक्का राइजुल वक्त मुअज्जल, तुम्हें अपने निकाह में कबूल है? बोलो शकील मियां, हाँ कहो कहो, कबूल किया? कबूल है? नहीं, ये तू क्या कह रहे हो शकील बेटे? मुझे बेटा कहकर मत पुकारिए मिस्टर सज्जाद, मुझे बेटा कहने का हक सिर्फ मेरी मां को है। अच्छा तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया, लेकिन बेटे ये तुम्हारा और मेरा मामला है। नहीं, ये एक मासूम सूरत बीवी और एक हुस्न परस्त शौहर का अलमिया है जिसका अंजाम यही होना था। कल आपने मेरी सगी माँ को ठुकराया था, आज मैं आपकी मुंह बोली बेटी को ठुकरा रहा हूँ। मुझे इनकार है, इनकार है, इनकार है। नहीं, ये तुमने क्या किया भैया, ये तुमने क्या किया? मेरे जख्म मेरे बेटे को क्यों दिखा दिए? ये बारात वापस नहीं आएगी, ये बारात वापस नहीं आएगी, ये बारात वापस नहीं आएगी। मगर बेटे कल जब लोग मुझसे तुम्हारे इनकार का सबब पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? कह दीजिएगा दुल्हा के माँ के मुकाबले में दुल्हन बहुत खूबसूरत थी, शौहर होता तो बीवी बदल लेता, मगर बेटा माँ नहीं बदल सकता। देखो बेटे गलती मुझसे हुई थी, मेरी गलती की सजा रूबी को मत दो। आपने किस गलती की सजा मेरी मां को दी थी? ये बारात वापस जाएगी। नहीं, ये बारात वापस नहीं जाएगी। मम्मी। हाँ बेटे, ये बारात वापस चली गई तो एक और कहानी जन्म लेने की, एक और औरत चलती फिरती लाश बन जाएगी। लोग यही कहेंगे कि माँ की साजिश थी जो बेटे ने बाप की इज्जत खाक में मिला दी। अभी तो सिर्फ इज्जत खाक में मिलाई है मम्मी, मगर वो वक्त दूर नहीं जब इन्हें आप पर तोड़े गए हर जुल्म का हिसाब देना होगा। शकील, तमीज से बोल, तेरी रगों में इन्हीं का खून दौड़ रहा है। ये तेरे बाप है? मुझे शर्म आती है इन्हें अपना बाप कहते हुए। और मुझे शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए।
ये कल भी मेरे सर का ताज थे और आज भी है। इन्होंने अगर मुझे अपनी नजरों से गिरा दिया है तब मेरी हैसियत बदली है, रिश्ता तो नहीं टूटा। मम्मी, मैं उस वक्त तक तेरी मां नहीं हूं जब तक तू इनसे माफी नहीं मांगेगा। मांग माफी, मैं कहती हूं मांग माफी, मांग माफी। अरे पगले, अगर मां के कदमों तले जन्नत होती है तो बाप के कदमों में अजमत होती है बेटे। जा, माफी मांग ले, माफी मांग ले बेटे, मांग माफी। बेटे, माफी मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। जो लाड, प्यार और मोहब्बत तुम्हें मुझसे मिलनी चाहिए थी मैं तुम्हें नहीं दे सका। मगर बेटे, अगर तुम बाप की शफकत से महरूम रहे हो तो मैं भी औलाद की मोहब्बत में तड़पता रहा हूं। तुम्हारी मां के बगैर मैंने कांटों पे जिंदगी गुजारी है। पल पल अंगारों पे लौटता रहा, मैं तुम्हारा सजावार हूं, तुम्हारा खतावार हूं। नहीं पापा, आप मिल गए, ये सारे शिकवे गिले दूर हो गए। बेटे, अपनी मां से कहो कि वो इस शर्मसार को माफ कर दे। सच्चा शायस्ता, मेरी सोच गलत थी, मेरी फिक्र गलत थी, मेरी नजरें सिर्फ सारे हुस्न तक गई थी। मैंने रूह के हुस्न को महसूस नहीं किया था, लेकिन अब मैं जान गया कि शौहर की खुशी और घर का सुकून बीवी की सूरत में नहीं, सीरत में। शास्ता, मुझे तुम क्यों मुझे गुनाहगार कर रही हो? क्यों? ले लीजिए अपने हाथों से अपने बेटे के सर पर सेहरा बांधिए, जाइए। शादी वही होगी जहां मैं चाहूंगा, क्योंकि जहां से तुझे रुपया मिलेगा। बहुत समझदार हो, तो लो बेटी, दे दो रुपया। ले रुपया, ले रुपया, ले रुपया। बेटा,
Thank you.